कहानी है लालची कुत्ते की कहानी। सुननी है सबको, चलो शुरू करते हैं। देखो ये जो डॉगी है ना, एक दिन वो ऐसे ही जंगल में जा रहा था, जाते जाते अचानक उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। अब इस रोटी के टुकड़े को लेके वो बहुत खुश हो गया, भागते 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 इधर उधर जाने लग गया खुशी के मारे। वो जहाँ से जा रहा था उसी जगह पे एक छोटा सा ब्रिज था। ब्रिज पता है क्या होता है, एक नदी है, नदी के ऊपर एक ब्रिज था जिससे वो जा रहा था। जैसे ही वो ब्रिज से जाने लगा अचानक उसे एक और पानी में कुत्ता दिखा। उसे लगा अरे मैं रोटी का टुकड़ा लेके जा रहा हूँ घूमने और ये एक और कुत्ता ये कहाँ से आ गया। ठीक है, वो बहुत गुस्सा हो गया। वो फिर उसने नदी में ऐसे करके देखा, उसको फिर वो डॉगी दिखा, कुत्ता दिखा और उसके मुंह में भी रोटी का टुकड़ा था। अब इस डॉगी के ना मन में लालच आ गया कि अरे वाह, मेरे पास तो रोटी का टुकड़ा है और जो नदी में वो डॉगी है उसके भी मुंह में रोटी का टुकड़ा है, तो क्यों ना मैं उससे छीन लेता हूँ रोटी का टुकड़ा, तो मेरे पास दो दो हो जाएंगे। फिर तो मैं आज खाली पेट रहूँगा ही ना, मेरे पेट में भर पेट खाना खा पाऊँगा आज। और इस लालच में उसने क्या किया, उसने पानी में भौंका। जैसे ही वो पानी में ठोक ठोक करके भौंका, वो रोटी का टुकड़ा पानी में गिर गया। अब उदास होके मायूस होके वो कुत्ता उस ब्रिज से वापस अपने घर चला गया। तो इससे बच्चों हमें क्या समझ में आता है कि हमें ज़्यादा लालच कभी नहीं करनी चाहिए। देखो डॉगी ने रोटी के टुकड़े के लिए लालच किया ना, उसको ये लगा कि अगर मैं जो नदी में जो डॉगी है मैं उसके भी मुँह से रोटी का टुकड़ा छीन लूँ तो मेरे पास दो दो हो जाएंगे और मैं खाना खा के आज पेट भर खा पाऊँगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पानी में तो उसको उसकी ही परछाई दिख रही थी, उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिख रहा था परछाई। अगर हम पानी के पास खड़े होंगे ना तो हमें खुद की परछाई दिखेगी, और डॉगी के साथ भी यही हुआ, उसको खुद की परछाई पानी में दिखी। लेकिन वो सोच बैठा कि ये एक और डॉगी है और उसने लालच करके भौंका, उसके ऊपर गुस्सा दिखाया कि मैं भौंकूंगा तो वो डर के मारे भाग जाएगा, रोटी का टुकड़ा छोड़ देगा। और भौंका, जैसे ही भौंका वो रोटी का टुकड़ा उसके मुँह से नीचे पानी में गिर गया और ना उसे वो वाली रोटी मिली ना ये वाली मिली और वो मायूस होके चला गया। सो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला होती है। तो आज से सब प्रॉमिस करेंगे हम कभी लालच नहीं करेंगे। अच्छी लगी कहानी, सबको बोलनी है ठीक है, ये कहानी मम्मा को सुनानी है।